नमस्ते। तो अभी ये जो भाग है उसमें मैं आपको दूसरे परामर्श है, जैसे आपने स्किल तो सीख लिया कि बच्चे को कैसे लाना है, छाती को कैसे पकड़ना है, वो सब आपने सीख लिया, लेकिन अभी ये भाग में आपको और क्या परामर्श माँ को बताना है, क्योंकि अगर आपने माँ को ये सब परामर्श नहीं दिए तो उसे पता नहीं चलेगा कि और क्या क्या ध्यान रखना है। मतलब स्किल तो आपने सिखा दिया, लेकिन दूसरे जो परामर्श है वो जो काउंसलिंग पॉइंट्स है वो बहुत बहुत ही महत्व के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको माँ को बताना है कि 24 घंटे में लगभग 10 से 12 टाइम आपको दूध पिलाना है। ठीक है, तो और जैसे मैंने बताया कि रात में अगर 3 घंटे के बाद बच्चा नहीं उठ रहा है तो उसको उठा के दूध पिलाओ। हम लोगों ने देखा है, हमेशा देखा हुआ है कि जो बच्चा रात में ज़्यादा दूध पीता है उसका वज़न बहुत अच्छा बढ़ता है, क्योंकि रात में एक अपना हार्मोन है प्रोलैक्टिन करके, वो प्रोलैक्टिन की मात्रा रात में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो प्रोलैक्टिन क्या होता है कि वो दूध को बनाता है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर करता है। तो वो दूध जो बनाने का जो हार्मोन है, अगर वो बच्चा दूध खींचेगा, दूध निकालेगा, तो वो हार्मोन ज़्यादा बढ़ेगा और उससे वो दूध बनेगा। ठीक है, तो रात में 3 से 4 टाइम दूध पिलाना है और 24 घंटे में लगभग 10 से 12 टाइम दूध पिलाना है। ठीक है, तो वो आपको वो सलाह देनी माँ को ज़रूरी है। दूसरा क्या है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपको तो मालूम ही है कि जो आगे का जो दूध आता है उसमें पानी और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जो पीछे का दूध आता है वो एकदम गाढ़ा होता है। ठीक है, तो गाढ़ा मतलब उसमें जो वसा होता है, जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये जो वसा है, जो फैट है, जो चर्बी है, वो चर्बी है उसमें कौन सी चर्बी है, बहुत अच्छी वाली चर्बी नेचर ने दी है, ओमेगा 3 करके एक चर्बी है, ओमेगा 3। वो ओमेगा 3 जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माँ के दूध में है, और वो जो ओमेगा 3 चर्बी है वो आपको मालूम ही होगा कि वो चर्बी बच्चे का जो मेदु होता है, वो जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन के लिए बहुत ही महत्व की चर्बी है। ठीक है, तो जो बच्चा माँ का जो पीछे का दूध ज़्यादा पीता है वो मतलब उसका वज़न तो बढ़ता ही है, क्योंकि चर्बी तो आपको मालूम है, चर्बी खाने से मतलब बच्चा बढ़ेगा, लेकिन उसके जो दिमाग का जो IQ है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि वो ओमेगा 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत उपयोगी चीज़ है बच्चे के मेदु के लिए। उसकी आँख के लिए भी वो जो ओमेगा 3 चर्बी है वो बहुत ही ज़रूरत है, और बच्चे के जो हृदय है, हृदय के लिए भी वो ओमेगा 3 बहुत ही ज़रूरी चर्बी है। ठीक है, तो माँ को बोलना है कि आपको जितना हो सके पूरा एक स्तन खाली करके फिर दूसरी बाजू देना है। ठीक है, तो माँ को अगर आप बोलेंगे कि एक बाजू स्तन खाली हुआ तो उसे पता नहीं चलेगा। कभी कभी वो क्या करेगी, वो बोलेगी हाँ हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो दूसरा जो स्तन है जो भारी है उसकी तुलना में वो सोच रही कि नहीं ये अभी कम है, तो उसे हमेशा वो इतनी वो शीज इन हरी कि मुझे अभी दूसरी बाजू भी दूध पिलाना है, क्योंकि मेरा दूसरा स्तन भी बहुत बहुत दूध है उसमें। ठीक है, लेकिन माँ को बोलो कि इतनी जल्दबाजी में वो बच्चे को ये बाजू से लेके दूसरे बाजू ना लेके जाए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो जो पीछे का दूध है वो पीछे का दूध रह जाएगा और बच्चे को उसका वज़न बढ़ेगा नहीं। तो माँ को बताना है कि पूरा स्तन खाली करना है, और उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक परामर्श में ये बिंदु डाला हुआ है कि अगर सपोज़ बच्चा छाती से छूट गया, ठीक है, या तो बच्चा सो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, माँ को बोलते हैं कि बच्चे को निकाल के, वजह से मैं भी बताऊँगी कि कैसे बच्चे को निकालना है, लेकिन बच्चे को निकाल के उसको क्या करना है, माँ को देखना है कि वह छाती में पीछे का दूध है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो आपको मैं सिखाऊँगी कि माँ का दूध कैसे थोड़ा निकाल के देखना है। तो माँ को क्या करना है कि उसकी 2 उंगली से दूर वहाँ पर माँ के उंगलियाँ होनी चाहिए, और वो क्या करेगी, ब्रेस्ट को थोड़ा पीछे की ओर दबाएगी, जैसे ये पीछे की ओर मैं दबा रही हूँ, मतलब जहाँ पे वो पसलियाँ है वो बाजू की तरफ मैं दबा रही हूँ, और फिर उसको थोड़ा दबा के थोड़ा देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें तीन स्टेप्स है, कौन से 3 स्टेप्स है, पीछे की तरफ छाती के, मतलब छाती की जहाँ पे पसली है, हड्डी है, वहाँ पे पीछे की तरफ पहले लेके जाना है, फिर अंदर की तरफ दबाना है, और फिर छोड़ देना है, पीछे की तरफ दबाना है,
फिर अंदर की तरफ दबाना है और फिर छोड़ देना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये ऐसा मिल्किंग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप मिल्किंग करेंगे तो वो दूध बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो मिल्किंग बोलते हैं ना कि ऐसा मतलब बिल्कुल ये उंगली हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, उंगली छाती पे हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये है, अगर माँ ने सपोज दूध निकाला और उसे लगा कि वो जो दूध है एकदम पतला है, यू नो एकदम फास्ट आ रहा है, बहुत बहुत मात्रा में आ रहा है लेकिन पतला है, उसका मतलब ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि जैसे हम दूध गर्म करते हैं और अगर वो दूध में अगर पानी डाल दिया भैया ने तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कि ये दूध तो पतला लग रहा है, ठीक है। अगर गाढ़ा होगा, मलाई वाला होगा तो एकदम गाढ़ा होगा, उसका रंग भी अलग होगा, ठीक है। तो माँ को वो सिखाना है कि पतला वाला दूध जो है अगर आ रहा है तो उसका मतलब पीछे का गाढ़ा दूध अभी भी बाकी है, ठीक है। तो बच्चे को वही तरह वही बाजू से दूध पिलाना है, ठीक है। और जो अगर पीछे का दूध आ रहा है लेकिन बहुत मात्रा में आ रहा है, मतलब बहुत 2-3 सेर आ रही है, बहुत ऐसा फास्ट दूध आ रहा है, तो फिर माँ को बोलना है कि वही बाजू से अभी भी उसको पीछे का दूध अभी छाती में है तो वही बाजू से बच्चे को दूध पिलाना है, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका एक बाजू का दूध अभी हो गया। अगर आपको लगे कि माँ को लगे कि अभी जो दूध आ रहा है गाढ़ा लेकिन सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में दूध आ रहा है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, माँ को बोलना है कि अभी वो दूसरी बाजू बच्चे को लेके माँ को दूसरी बाजू बच्चे को दो स्तन देना ही है, ठीक है। देना है मतलब ऑफर करना है, माँ को देना है। अगर बच्चे को भूख नहीं होगी तो बच्चा लेगा नहीं, अगर भूख नहीं होगी तो मुंह बंद कर देगा, वो मुंह ऐसे हटा देगा, वो मुंह खोलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो बच्चे को सोचने दो कि उसको भूख है कि नहीं, माँ को तो देना ही है, माँ को ऑफर करना ही है, ठीक है। जैसे हम लोग भी जब किसी के घर में जाते हैं तो हम लोग को भी जब खाने बैठते तो सब लोग बोलते हैं नहीं खाओ खाओ खाओ, राइट। अगर आपको भूख नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन वो तो हमेशा हम लोग को ऑफर करते हैं। उसी तरह माँ को अपना स्तन बच्चे को ऑफर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आगे का दूध और पीछे के स्तन का दूध का इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अभी क्या हो गया कि सपोज बच्चा यहाँ पे सो गया, आपने बच्चे को एक बाजू से दूध पिलाया और वो सो रहा है, अभी एकदम सो गया है, तो आपको बच्चे को तुरंत ही जगाना है, क्योंकि अगर बच्चे को पूरा टाइम यहाँ पे लगाते रहेंगे बच्चा सो रहा है और आपको लग रहा है नहीं बच्चा थोड़ा दूध पी रहा है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत टाइम चला जाएगा और आपको बहुत टाइम तक वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं स्तनपान नहीं कराना है, ठीक है। तो आपको तुरंत ही बच्चे को उठाना है, तो उठाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो उसके कान के पीछे थोड़ा आप उंगली लगा सकते हैं, या तो उसके जो उसका जो स्पाइन है स्पाइन पे आप उसको थोड़ा गुदगुदी कर सकते हैं, या तो उसका जो पैर है वहाँ पे भी आप थोड़ा उसको गुदगुदी कर सकते हैं, लेकिन वो सारा थोड़ा ये करना है। अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो आपको जो बच्चा है जो स्तन पे लगा हुआ है उसका जुड़ाव निकालना पड़ेगा। तो उसका जुड़ाव निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो माँ की जो छोटी उंगली है वो उसके बच्चे के मुँह में उसको डालना पड़ेगा और उसका जो सक्शन है जो बहुत अटैच हुआ है जुड़ाव हुआ है वो जुड़ाव को निकाल के वो बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान में रखते हैं, अगर आप बच्चे को ऐसे निकाल दिया तो क्या होगा कि माँ का जो निपल है वहाँ पे एकदम लाल हो जाएगा और उसमें जख्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को ऐसे खींचना नहीं है, उसका मुँह खोल के उंगली डाल के खोल के फिर बच्चे को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बच्चे को कैसे निकालना है। फिर उसको उठाने के लिए अगर बच्चा फिर भी सो रहा है, यू नो आपने उठाया बच्चा फिर भी सो रहा है, तो तुरंत उसको जैसे हम बर्पिंग कराते हैं ना, जैसे उसको डकार देते हैं, यही पोजीशन में आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बच्चे को कैसे उठाना है, तो वही पोजीशन में बच्चे को लाना है, उसको बिठाना है आपकी गोदी में, ठीक है। एकदम बेसिकली अच्छी तरह उसको सपोर्ट देना है, पीछे से हाथ आप उसके पीठ पे रख सकते हो, उसको थपथपाने की ज़रूरत नहीं है, और आगे का जो हाथ है वो कान के आगे आएगा, यहाँ पे गर्दन पे नहीं आना चाहिए, कान के आगे जो ये हड्डी है वहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गर्दन पे बहुत सारी जो वेसल्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नहीं दबाना है, गला नहीं दबाना है, यहाँ पे हड्डी पे हाथ रखना है और आपकी जो हथेली है वो बच्चे के छाती पे आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा बच्चे का जो पूरा बॉडी का जो सपोर्ट है वो आपकी हथेली पे आएगा और फिर थोड़ा आगे जाके आप उसको बच्चे को थोड़ा आगे करेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा तुरंत ही वो ढकार लेगा,
ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब ये जुड़ाव बहुत अच्छा है तो डकार लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा सिर्फ निपल फीडिंग कर रहा है तो निपल फीडिंग में आपको बच्चे को मतलब बहुत उसमें गैस होगा, क्योंकि वो निपल फीडिंग सिर्फ निपल चूस रहा है। निपल चूसेगा तो बाजू बाजू में इतनी जगह होती है कि वहाँ से वो हवा चूस रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चे को डकार नहीं आ रही है, उसका मतलब माँ को बोलो कि उसका जुड़ाव बहुत अच्छा था, चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन 2-3 मिनट तक उसको थोड़ा सा उसको आराम दो, ठीक है, उसको थोड़ा रिलैक्स करो और फिर उसको थोड़ा आगे की तरफ झुकाओ और फिर उसको 2 मिनट में अगर हो गया तो फिर उसका ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, ठीक है। अभी चलो ये हो गया आपका, बच्चा वापस जग गया। एक बार बच्चा जग गया तो आपको माँ को बताना है कि यहाँ पे देख लो कि दूध है कि नहीं। अगर दूध नहीं है उसका मतलब वो अभी दूसरी बाजू बच्चे को दूध खिला सकेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी कि अगर बच्चा सो गया तो क्या करना है। ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे का नाक अगर दब रहा है तो बहुत सारी माताएं मतलब ऑफकोर्स उनको थोड़ा टेंशन हो जाता है कि माँ का नाक दब रहा है, नाक दब रहा है, स्पेशली अगर स्तन बहुत बड़ा है। तो अगर नाक दब रहा है उसका मतलब ये है कि बच्चे का जो गर्दन है, बच्चे की जो गर्दन है वो सीधी बच्चे माँ के स्तन पे आ रही है। तो अगर ऐसे सीधी आई तो अगर स्तन है तो स्तन बच्चे के नाक स्तन में दबेगा, ठीक है। अगर बच्चा ऐसे आ रहा है जैसे मैंने बताया पहले तो नाक बाहर होगा और ये ठुड्डी और होंठ अंदर होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे का नाक दब रही है तो कभी कभी उसका मतलब ये है कि बच्चे का जो गर्दन, बच्चे की जो गर्दन है वो नीचे की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, उस बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, और बच्चा अभी उसका जो नाक है वो निपल के ऊपर है, ठीक है। तो वो ऊपर होने के कारण क्या होता है कि बच्चे की गर्दन भी नीचे हो जाती है और फिर उसका नाक भी दबता है, ठीक है, ये गलत है। तो आपको भी क्या करना है, माँ को बच्चे को थोड़ा दूसरे स्तन के वहाँ पे लेके जाना है और फिर उसकी गर्दन थोड़ी ऊपर करनी है, ठीक है, तभी उसके मुंह में नीचे का काला भाग जाएगा। और इसमें जब भी ऐसा होगा तो उसके देखिए नाक बिल्कुल बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, अभी जैसे मैं आपको मेरे पे दिखा रही हूँ कि सपोज़ बच्चा अगर उसका नाक दब रहा है तो उसको थोड़ा दूसरी ओर लेके जाइए, दूसरे स्तन की ओर लेके जाइए, उसकी गर्दन है उसको बाहर निकालिए, ठीक है, जैसे मैं उसको गर्दन को बाहर निकाल रही हूँ। और फिर उसको जैसे मैंने गर्दन बाहर निकाल दी तो उसका जो नाक है वो बाहर आ रहा है और उसके जो होंठ है और उसकी ठुड्डी है वो सन के अंदर खुप रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको माँ को ना थोड़ा टेंशन आपको उसका कम करना है। तो माँ को बताना है कि जब भी नाक दब रहा है, सबसे जैसे आप दबाएंगे, अगर नाक ऐसा दबा तो उसका मतलब आप अभी सांस ले सकेंगे, ठीक है। अगर नाक ऐसे दबा तो आप सांस नहीं ले सकेंगे। तो माँ को बताएं कि जैसे जब भी स्तन लगता है बच्चे को तो स्तन हमेशा ऐसे लगता है, ठीक है, ऐसे, तो वो बच्चा आराम से सांस ले सकता है। और बच्चे की चिंता मत करो, वो क्या करेगा, जैसे अगर नाक उसका बंद हो गया तो वो बच्चा छोड़ देगा, वो बहुत बहुत स्मार्ट है, वो चालाक है, बिल्कुल चालाक है, ठीक है। तो माँ को बोलो कि थोड़ा इतना टेंशन मत करे, क्योंकि वो टेंशन करेगी तो वो ऑक्सीटोसिन लेवल नीचे हो जाएगा और वो जो दूध बाहर ऑक्सीटोसिन जो निकाल रहा है वो दूध निकलना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी टेंशन माँ को पहले से बता दो कि ये सब करने की जरूरत, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह उसको पोजिशनिंग सिखाएंगे, अच्छी तरह उसको जुड़ाव सिखाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन वापस मैं बोल रही हूँ कि जब भी बच्चे को आप ला रहे हो स्तन पे तो उसको उसका जो गर्दन है थोड़ा पीछे की ओर लाएंगे तो देखिए नाक बाहर हो रहा है, ठीक है, स्तन के ऊपर नहीं, वो टच बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बच्चे को सीधा लाएंगे, ऐसा बच्चे को सीधा लाएंगे या तो बच्चे को थोड़ा ऐसे लाएंगे तो इसमें नाक भी दबेगा, ऊपर का काला भाग जाएगा और बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखिए कि आप बच्चे को कैसे स्तन पे ला रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाक का प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम है, वो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत टाइम जब भी बच्चा दूध पी रहा है और जब भी आप उसको जांच रहे हो कि बच्चा स्तन सन से बराबर जुड़ा हुआ है कि नहीं, बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि कभी कभी क्या हो रहा है कि ये जो बच्चे के गाल है उसमें खड्डे हो रहे हैं। तो जब भी खड्डे हो रहे हैं उसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ज़रा 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम कि अगर बच्चे ने सिर्फ निपल लैच किया, तो अगर सिर्फ निपल लैच किया, सिर्फ निपल पे उसका मुंह जुड़ा, निपल का और बच्चे का जुड़ाव है बच्चे के मुंह का, तो वो निपल लैच से बच्चे को उसके खड्डे पड़ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर बच्चे का
ऊपर का भाग अगर माँ का काला भाग गया बच्चे के मुंह में तो उसमें भी प्रॉब्लम होएंगे कि वो बच्चे को मुंह में खड्डे पड़ेंगे। मतलब अगर ऊपर का काला भाग एरियोला का ऊपर का काला भाग गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अगर बच्चा बहुत दूर है, माँ से बहुत दूर है, जैसे मुंह तो बड़ा है लेकिन उसके होंठ दिख रहे हैं, उसकी ठुड्डी दिख रही है, यू नो, तो वो सारे जब भी आप जब भी एग्जामिन करेंगे, जब भी आप जाँचेंगे और उसके होंठ दिख रहे हैं, ठुड्डी दिख रही है, वो बच्चे का भी आप देखना कि उसके मुंह में खड्डे पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना है कौन से अगर प्रॉब्लम होंगे तो बच्चे के मुँह में खड्डे पड़ेंगे। एक तो है कि वो सिर्फ निपल लैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ऊपर का काला भाग गया है उसके मुंह में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि वो बहुत दूर है, मतलब यू नो होंठ भी दूर है, उसकी ठुड्डी भी दूर है, पूरा दिख रहा है। वो तीन प्रॉब्लम होंगे तो बच्चे के मुंह में खड्डे पड़ेंगे। तो आपको वो प्रॉब्लम फिक्स करना है और अभी आपको मालूम है कि कैसे वो फिक्स करना है, ठीक है। ओके, तो वो हो गया आपका मुंह में खड्डे ना होने के मतलब क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने माँ को बताना है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, ठीक है। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, गुट्टी की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, गाय का दूध की ज़रूरत नहीं है, किसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो विटामिन्स अगर डॉक्टर दे रहा है तो वो विटामिन्स देना है, बाकी और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे को बीमारी हो गई और कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो जो डॉक्टर बोल रहा है वो इलाज कराना ज़रूरी है, लेकिन बाकी के जो पानी भी बोलते कि नहीं बहुत यू नो गर्मी है, पानी थोड़ा चाहिए, थोड़ा यू नो मत दो या ये दो, या कोई बाबा ने गुट्टी दी है और यू नो ये सब देने की बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसके सेहत पे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ध्यान में रखना है कि 6 महीने के बाद ऊपर का मतलब घर का जो खाना होता है, 6 महीना है समाप्त होने के बाद आपको घर का खाना चालू करना है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगी कि वो क्या खाना चालू करना है, कैसे चालू करना है, ठीक है। तो वो हो गया। दूसरा क्या होता है कि अमुक जो ऐसे टाइम होता है तभी बच्चे की हाइट बढ़ती है, ठीक है। वो बच्चा हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, वो बच्चा थोड़ा यू नो उसको ज़्यादा भूख लगती है, तो वो कौन सा टाइम पीरियड है, 2 हफ्ता है, यू नो 6 हफ्ता है, 3 महीने पे बच्चे को मतलब उसकी क्या बोलते हैं उसकी ग्रोथ, उसका विकास बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको पहले ही माँ को बताना है कि 2 हफ्ते के टाइम पे, लगभग 1.5 महीने के टाइम पे बच्चा और 3 महीने के टाइम पे बच्चे को ज़्यादा भूख लगेगी, आपको ज़्यादा टाइम माँ को दूध देना है, ठीक है। अगर आप ये बता देंगे तो माँ को पता चलेगा अरे हाँ ये टाइम में अगर सपोज़ बच्चे को अभी उसका विकास हो रहा है तो अभी मुझे ज़्यादा दूध देने की ज़रूरत है। वरना क्या होगा कि माँ को लगेगा कि नहीं मेरा दूध काफ़ी नहीं है, बच्चे को भूख लग रही है और मेरा दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगी, ऊपर का दूध चालू करेगी, गाय का दूध चालू करेगी, फॉर्मूला चालू करेगी। तो ये सब ना होए इसीलिए आपको सबसे पहले ही उसको बता देना है कि ये होगा और आपको ये करना है, ठीक है। तो माँ को बोलो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दूध पिलाए, बार बार दूध पिलाए, जब भी बच्चे को भूख लग रही है पिलाए ना। कभी कभी क्या होता है कि शाम के टाइम में मैंने ये देखा है कि कभी कभी बच्चा शाम के टाइम में 1-2 घंटे में बहुत बार दूध पीता है, लाइक यू नो 3-4 बार आधा आधे घंटे में उठेगा और अच्छी तरह दूध पिएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर फीडिंग। क्लस्टर मतलब बहुत टाइम, मतलब 1-2 घंटे में 3-4 बार उसने दूध पी लिया, ठीक है। तो अगर वो टाइम पे अगर बच्चे ने अच्छी तरह दूध पी लिया और फिर रात में वो सो रहा है 4-5-6 घंटा भी सो रहा है, तो उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है कि 12 टाइम अगर 1-2 घंटे में उसने 4-5 टाइम दूध पी लिया है तो फिर उसको घड़ी घड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके जो अगले जो आगे के भूख के जो संकेत है वो आपको समझना है और माँ को समझाना है, क्योंकि जब भी उसको वो जो पहली भूख के टाइम पे जब भी दूध पिलाएंगे तो उसका वो ना उसको भी पता चलेगा कि अच्छा अभी मुझे उठना है, अभी मुझे यू नो दूध पीने का मेरा टाइम हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक फिर वो पूरा क्लॉक सेट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा मत करो कि चलो अभी 2 बजे चलो खाना दे दो, 4 बजे चलो अभी दूध दे दो, अभी ये हो गया 6 बजे चलो अभी दूध दे दो, ऐसा नहीं। आपको वो घड़ी के कांटे की तरह नहीं घूमना है, ठीक है, बच्चे के पीछे। उसकी जो भूख के संकेत है
उसके पीछे आपको उसके हिसाब से आपको दूध देना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूरे 45 बिंदु है, परामर्श है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी अगर प्रश्न है, तो आप ईमेल भेज सकते हैं मुझे, हमारे TA मुझे बताएंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम है। और हमारा एक सेशन ऐसा भी होगा जो मैं लाइव आऊँगी, आपके कोई भी सवाल जवाब है उसके मैं जवाब दूँगी। आई एम रियली हैप्पी कि मैं ये एक डेढ़ घंटा आपको हिंदी के सेशन के बारे में मैं बता सकी। अगले प्रॉब्ली जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो मैं सारे हिंदी में सेशंस भी लूँगी। ये टाइम मेनली हमारा इंग्लिश का है, लेकिन बहुत ईजी लैंग्वेज में है। हमारे पास जो ट्यूटोरियल्स है वो हिंदी में भी है, तो आपको आप इंग्लिश ट्यूटोरियल नहीं देख के अगर हिंदी ट्यूटोरियल भी देखेंगे तो भी आपको बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ है आपको हिंदी में पता चलेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।